ये देखो कितनी अद्भुत रोशनी हो रही है, और आपको मैं पास में से दिखाता हूँ। हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोलो ट्रेवल विद दिनेश में। और आज मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ, ये मारोट में स्थित कोटवाले बालाजी के नाम की जगह है। आप देख सकते हो ये मेरे पीछे का मंदिर, और अंदर अद्भुत रोशनी हो रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कांच की जड़ाई भी। अभी मैं आपको अंदर से भी बताऊँगा कि मंदिर अंदर से कैसा है। उससे पहले मैं आपको पहाड़ों के कुछ व्यू भी दिखाना चाहता हूँ, और आप यहाँ आना चाह सकते हो तो आ सकते हो। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की ओर। जी है ये, और इनका जो मुख्य द्वार है वह यह है, सामने वाला मुख्य द्वार। और अब आप ये जो सामने देख रहे हो, हमारे कोट वाले बालाजी महाराज है। और आप मैं आप लोगों को पास में से दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कांच की जो जड़ाई है वह कितनी अच्छी है। इन्हीं के पास में एक और बालाजी महाराज है, इन्हीं का नाम भी कोट वाले बालाजी महाराज है। आप दर्शन कर सकते हो। बताया जाता है कि ये मूर्ति सबसे पहले मिली। और अब मैं आपको पीछे से कुछ व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये मंदिर पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ है। पीछे कुछ इस तरह के पहाड़ है, और वहाँ पे बंदा बनाया हुआ है। और इधर आप देख सकते हो सामने किला है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। वो आप जो सामने देख रहे हो वो एक किला है। और उसके पीछे भी बादल, ऐसे लग रहा है सूर्यास्त हो रहा है, पर वो सूर्यास्त नहीं हो रहा है। और कुछ पीछे जाने का रास्ता भी है। यहाँ से आप ऊपर एक काला के बालाजी महाराज है, जिसे काला की चोटी के नाम से भी जाने जाते हैं। वो उस पहाड़ पे है जो अरावली का हिस्सा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और। उससे पहले हम अपनी एक परिक्रमा पूरी करते हैं, और हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ में एक यहाँ पे बनाया हुआ है, पहले मुख्य द्वार ये हुआ करता था, परंतु वर्तमान में इसको बंद करके ये मुख्य द्वार निकाला गया है। आपको मैं कुछ बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और वो जो सामने आप टंकी देख रहे हो, वो पानी की टंकी है जो वर्तमान में पानी सप्लाई करती है। और ये किला कुछ इस तरह का दिखता है ये पास में से। और यहाँ पे दो तीन पहाड़ों की श्रृंखलाएं बनी हुई है जो आप देख सकते हो, और जाने का रास्ता भी यहाँ पे है। इधर आप देख सकते हो नीचे की ओर कुछ इस तरह की खाई सी बनी हुई है। और इधर गांव का सा है पूरा मारोट साइड, और उधर एक गार्डन सा बना हुआ है, उसमें भी अभी हम चलेंगे। उससे पहले मैं आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये कोट वाले मंदिर के पास बना एक किला है, जिसे डेवलप किया गया है, अभी वापस नया बनाया गया है। उसकी मैं छत पे हूँ, और आपको अभी मैं ये किला भी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपने पीछे का जो ब्यूटीफुल नज़ारा है आप लोग देख सकते हो वीडियो में, वो बताने वाला हूँ अपने बैक कैमरे से। तो चलो पहले आपको मैं अपना बैक कैमरे से, आप देख सकते हो ये किले थे पहले, परंतु वर्तमान में खंडहर हो चुके हैं। सामने माँ काली का मंदिर है वो, और उसके सामने काला की चोटी का मंदिर है, आप देख सकते हो जहाँ पे झंडा है। और इसके बाद में ये कुछ पहाड़ों का हिस्सा है, और इधर आपको मैं दिखाता हूँ कुछ, ये देख सकते हो आप।
और इधर पानी की टंकी है सामने, और वो किला रहा। उधर मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नीचे गेहूँ वगैरह पड़े हैं कीड़े नाल के लिए इसलिए। और आप इधर देख सकते हो पूरा मारोड़ शहर बसा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ किला कैसा है अंदर से। इधर मारोड़ शहर बसा हुआ है और इधर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और मेन सीढ़ियों से नीचे जाऊँ। कुछ अंदर से इस तरह का है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पपीता का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ आदि। और आप देख सकते हो सामने एक मंदिर हुआ करता था, परंतु इसकी मूर्ति अब नीचे रघुनाथ जी के मंदिर में है। अब चलो हम चलते हैं नीचे की ओर। कुछ अंदर से ये ऐसा है। और इधर कुछ ऐसा बना हुआ है। ये भी पहले एक मंदिर हुआ करता था, परंतु अभी इसकी मूर्ति है जो मारोड़ के रघुनाथ जी के मंदिर में है। इधर कुछ ऐसा है। कुछ ये इस तरह का दिखता है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का धन्यवाद।